टिकट तो आखिर में भी कट जाता है, शुरू में भी कट जाता है, टिकट तो कटते रहते चलते रहते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सबका डीटीवी न्यूज़ में। कल पुनाना विधानसभा दोस्तों स्वागत है आप सबका डीटीवी न्यूज़ में। कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी जो है हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट डिक्लेयर किया है और जो सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी कि पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास को टिकट दिया जाएगा, हालांकि उनको वंचित रखा गया। अब हम यहाँ पर पूर्व मंत्री चौधरी इलियास जी के पास हैं और उनसे पूछेंगे कि जो आने वाला दिन है, कल आखिरी दिन बचा हुआ है नामांकन का, उस दिन क्या करने वाले हैं। मंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी न्यूज़ में। अब इस तरह से कांग्रेस पार्टी के आप एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे और कल जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो आपको जो वंचित रखा गया, अभी आप क्या करने वाले हो? आज भी आपने हमारा समारोह देखा होगा, हमने इलाके के सभी अपने साथियों से मशवरा किया तो उसमें ये बात निकल के आई कि आपने इलेक्शन लड़ना है इंडिपेंडेंट के तौर पर, इसलिए कल मैं अपना नॉमिनेशन जो है इंडिपेंडेंट के तौर पे कल अपना नॉमिनेशन दाखिल करूँगा। कितने लोगों का समर्थन आपने अभी जो आपकी मीटिंग हुई है जो पंचायत हुई है उसमें कितने लोगों ने समर्थन आपको दिया है? अब गिनती तो मेरे पास एक्यूरेट तो है नहीं, बाकी 7-8 हज़ार आदमी जो है वहाँ मौजूद था, जबकि मेरे ख्याल से सिर्फ 15 घंटे का जो है इतला जो हमने दी थी, सिर्फ 15 घंटे का मौका हमें मिला था और उसमें 7-8 हज़ार आदमी वहाँ हमारे मीटिंग में आ गया था। आप पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं और आखिरी टाइम पर जब उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो टिकट है वो चौधरी मोहम्मद इलियास का फाइनल हो जाएगा, आखिरी टाइम पर आपको वंचित किया गया, इसके बारे में क्या कहोगे? टिकट असल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो पार्टियों का मामला है, टिकट तो आखिर में भी कट जाता है, शुरू में भी कट जाता है, टिकट तो कटते रहते चलते रहते हैं। तो पार्टी का अपना हाईकमान का फैसला है, वो किसको टिकट दे किसको ना दे। अभी आप आने वाले चुनाव किस तरह देख रहे हैं? एक आपको उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, टिकट के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और अब इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट भी इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगा, इंशाल्लाह मुझे पुराना की जनता से पूरी उम्मीद है और अपने साथियों से पूरा मुझे यकीन है कि वो भरपूर मेरे साथ तन मन धन से मेरा साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन में जीतूंगा। धन्यवाद। तो ये थे चौधरी मोहम्मद इलियास खान। जो अब भी कार्यकर्ता मीटिंग हुई उसमें जो है एक फैसला लिया गया कि जो आने वाला चुनाव है उसमें कल एक नामांकन भरा जाएगा और जो कि इंडिपेंडेंट होगा, और जैसा इन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव जो होगा वो, और चौधरी मोहम्मद इलियास जी को पूरी उम्मीद है और पूरा उनको भरोसा है कि जो आने वाला चुनाव होगा वो इंडिपेंडेंट भी वो जीतने वाले हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक डीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।